हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ वीडियो। आज हम इस वीडियो में हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स की एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करने वाले। एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आपसे बोला कि नेम द फॉलोइंग हैलाइड अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल या एराइलाइड्स। ठीक है, आपको आईयूपीएसी बताना है और साथ में वो क्लासीफाई भी करना है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, CH3 का होल ट्वाइस, CH, CHCl और CH3। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। तो जो आपके पास ब्रैकेट में होते हैं, ये सब आपके साइड चेन्स होते हैं। ठीक है, जो आपका CH3 है होल ट्वाइस आपको ब्रैकेट में दे रखा है, ये आपका साइड चेन है। सिमिलरली जो Cl आपको साइड इसमें दे रखा है ब्रैकेट में, ये भी आपका साइड चेन की तरह एक्ट करेगा। तो ये सब आपके साइड चेन होंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3, CH3, CH, और ये भी आपका साइड चेन होगा Cl और CH3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर नेमिंग करनी है। ठीक है, तो कैसे होगा, 1, 2, 3, 4, तो क्या होगा, 2-क्लोरो-3-मिथाइल-ब्यूटेन, ये आपका यहाँ पर आईयूपीएसी होगा। क्लासीफाई भी करना है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, 2-डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि जो क्लोरीन अटैच है वो आपका सेकेंडरी वाले कार्बन आइटम से अटैच है। ठीक है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन आइटम है, तो ये हमारा क्या होगा, कौन सा हैलाइड होगा, 2-डिग्री एल्काइल हैलाइड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, CH3, CH2, CH, CH3, CH, ब्रैकेट C2H5 और Cl। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया है। अगेन जो आपके ब्रैकेट में ये आपके साइड चेन की तरह एक्ट करेंगे, तो क्या होगा, CH3, CH2, CH, ये साइड चेन होगा, तो CH3, CH, ये भी आपका साइड चेन होगा, तो C2H5 को ओपन कर सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं CH2 और CH3। ठीक है, और साथ में आपका Cl है। अच्छा, तो इसको आप आपको नेमिंग करनी है यहाँ से। तो क्या होगा आपका, यहाँ से होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो क्या होगा, 3-क्लोरो-4-मिथाइल-हेक्सेन। ठीक है, 3-क्लोरो-4-मिथाइल-हेक्सेन। अगेन आपका ये कौन सा एल्काइलाइड है, 2-डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते क्या है, थर्ड आपके पास है यहाँ पर CH3, CH2, CH3 का होल ट्वाइस CH2 और I। ठीक है, ये आपको दे रखा है, तो कैसे हम लिख सकते हैं इसको, CH3, CH2, C, अगेन ये CH3 होल ट्वाइस आपके दो साइड चेन है, तो एक CH3 को हम यहाँ लगा लेते हैं और एक CH3 को हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, और CH2 और I आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, नेमिंग कहाँ से होगी आपकी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हेलोजन आपका यहाँ है, तो प्रायोरिटी ग्रुप में सबसे पहले ये आएगा, तो 1, 2, 3 और 4 ये होगा। तो क्या होगा, 1-iodo-2,2-dimethyl-butane। ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, और ये कौन सा एल्काइल हैलाइड आपका, 1-डिग्री एल्काइल हैलाइड आपका, क्योंकि आपका जो हैलाइड अटैच है वो आपका 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ हमारे पास है CH3 का होल थ्राइस CCH2 CHBr C6H5। आपको यहाँ दे रखा है फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फिनाइल ग्रुप बना लेते हैं हम, ये आपका होगा यहाँ पर फिनाइल ग्रुप। ठीक है, फिर क्या लगा है आपका, ये चीज़ लगी है CHBr आपका क्या है यहाँ पर साइड चेन, तो Br हमारी साइड चेन होगी, फिर आपका CH2, फिर आपका कार्बन, और फिर आपके यहाँ पर 3 साइड चेन लगे, तो 3 साइड चेन हम ऐसे लगा लेंगे आपका, ये होगा। ठीक है, तो कैसे हम दिखाएंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसा होगा आपका। ठीक है, तो नाम क्या होगा आपका, 1-bromo। ठीक है, 3-3-3 थर्ड पोजीशन में क्या आपके 2 मिथाइल है, तो 3-3-डाइमिथाइल, और फर्स्ट पोजीशन में क्या आपका फिनाइल। ठीक है, तो क्या आएगा, 1-फिनाइल-ब्यूटेन। ठीक है, क्या आया, फर्स्ट पोजीशन आपका ब्रोमीन था, तो 1-bromo, थर्ड पोजीशन में 2 मिथाइल, तो 3-3-डाइमिथाइल, 1 पोजीशन में क्या था फिनाइल, तो फिनाइल ब्यूटेन। हमने सबको अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे यहाँ पर अरेंज कराया है। ठीक है, अब होगा क्या आपका, ये 2-डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड होगा। ठीक है, 2-डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड आपका ये होगा। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते थे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन, तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर है, तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे जब आपका कोई हैलाइड अटैच होता है तो हमारा बेंजाइलिक हैलाइड होता है। ठीक है, 2 डिग्री क्यों, हाँ क्योंकि आपका जो ब्रोमीन अटैच है वो आपका दो
दो डिग्री कार्बन एटम से अटैच है, या आपका जो कार्बन एटम है 2 डिग्री कार्बन एटम है, दैट हमने इसको क्या कहा यहाँ पर 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, नेमी आपकी यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि आपका जो ब्रोमीन हैलाइड है ये आपका हेलोजन एटम है, दैट इसकी जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो बाकी उससे सबसे ऊपर होगी। ठीक है, दैट आपका जो यहाँ से नेमिंग शुरू हुई है, पोजिशन देना शुरू हुआ, हमने यहाँ से शुरू किया है 1, 2, 3 और 4 करके, तभी आया आपका 1-bromo-3-3-dimethyl-1-phenyl और ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्या है, CH3, CH, CH3, CH, Br और CH3। ठीक है, अगेन ये साइड चेन होंगे दो हमारे, तो क्या आएगा CH3, CH, CH3, CH, Br और CH3। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ पर आएगी, तो नेमिंग कहाँ से होगी आपकी, यहाँ से, क्योंकि ब्रोमीन क्या है आपका यहाँ पर आएगा पहले नंबर पर, तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो क्या होगा नेमिंग, अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे देंगे, तो 2-bromo-3-methyl-butane। ठीक है, 2-bromo-3-methyl और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, कौन सा एल्काइल ऐड होगा, ब्रोमीन आपका 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो ये होगा आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर क्लासिफाई करना इंपॉर्टेंट है, आईपीसी से फिर भी आपकी इजी है, लेकिन आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए कि 2 डिग्री कौन सा है, विनाइल कौन सा है, राइल कौन सा है, बेंजाइलिक कौन सा है, ये सब पता होना चाहिए। सिक्स्थ क्या है, CH3C C2H5 होल ट्वाइस CH2 Br। ठीक है, ये आपके पास है सिक्स वाला क्वेश्चन, तो क्या आएगा CH3C C2H5, ये दोनों आपके क्या होंगे साइड चेन, यहाँ भी C2H5 CH2 और Br। अगेन हम C2H5 को ओपन कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको यहाँ पर CH3C CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 और Br। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको यहाँ पर ढूंढनी है, तो कौन सी होगी आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, या तो हम कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो 4 आपकी ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी यहाँ पर। ठीक है, तो नाम कैसे देंगे, 1-bromo। ठीक है, सेकेंड पोजिशन में क्या है आपका, सेकेंड पोजिशन पे इथाइल, टू सेकेंड पोजिशन क्या है इथाइल, फिर क्या है सेकेंड पोजिशन में मिथाइल, 2-methyl और ब्यूटेन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर नेम होगा। ठीक है, कैसे करा, 1, 2, 3, 4 आपका क्या था यहाँ, हमने नेमिंग करी, पोजिशन दिए, तो सेकेंड पोजिशन में क्या था आपका इथाइल C2H5, तो 2-ethyl आया सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, ई आएगा। ठीक है, फिर क्या आपका 2, सेकेंड पोजिशन क्या है मिथाइल, तो 2-methyl और 4 कार्बन चेन है तो ब्यूटेन। सबको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है, पहले बी आया है, फिर ई आया है, फिर आपका एम आया, तो ऐसे हमने यहाँ पर अरेंज करना है। ठीक है, अच्छा, तो कौन सा आपका एल्काहैलाइड है, ये 1 डिग्री आपका एल्काहैलाइड है, क्योंकि ब्रोमीन आपका 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो ये आपका 1 डिग्री एल्काहैलाइड यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेवन्थ वाला, CH3 CCl C2H5 CH2 और CH3। ठीक है, ये आपके पास है, अगेन Cl और C2H5 साइड चेन होंगे, तो ये आएगा CH3 CCl CH2 CH3 और ये आएगा CH2 और CH3। ठीक है, C2H5 आपका साइड चेन है, तो CH2 CH3 यहाँ आएगा साइड चेन में, और ये भी आपका Cl साइड चेन है, तो ये भी है। ठीक है, फिर क्या है नेमिंग कैसे देंगे हम, 1 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लगा, 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ से करते, तो 1, 2, 3, 4 आपका क्या रहता, 4 ही कार्बन की चेन बनती, यहाँ से हमने करा तो आपकी 5 कार्बन की चेन बनी है, देयरफॉर आपका यहाँ से होगा, तो क्या होगा नेम, 3-chloro-3-methyl-pentane। ठीक है, 3-chloro-3-methyl-pentane और एल्काइलाइट कौन सा होगा आपका, 3 डिग्री एल्काइलाइट, क्योंकि आपका ये टर्शरी कार्बन है, तो ये होगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, एट्थ क्वेश्चन देखते क्या आपके पास, एट्थ है CH3 CH double bond C Cl CH2 CH और CH3 का होल ट्वाइस, ये चीज़ आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो Cl आपका यहाँ पर और CH3 आपका साइड चेन होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH double bond C, ये आपका साइड चेन, CH2 CH और CH3 होल ट्वाइस आपके दोनों साइड चेन है, ये CH3 हम यहाँ लगा सकते हैं और एक CH3 हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, नेमिंग कहाँ से होगी आपका, पोजीशन कहाँ से देना शुरू करेंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन,
और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी आपकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होगा आपका नाम यहाँ पर, 3-chloro-5-methyl-hex-2-ene, ठीक है, 3-chloro-5-methyl-hex-2-ene। और क्लासिफाई करेंगे तो ये आपका होगा यहाँ पर विनाइलिक हैलाइड, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड होगा, क्योंकि जो आपका हैलाइड है, हैलोजन है, वो आपका उस कार्बन से अटैच है जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड आपका बन रहा है, देयरफॉर वो आपका विनाइलिक हैलाइड होता है, ठीक है। अच्छा, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CBr और CH3 का होल ट्वाइस, ये चीज़ है। अगेन Br और CH3 होल ट्वाइस आपके दोनों साइड चेन की तरफ एक्ट करेंगे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CBr आपका साइड चेन है, ये दो भी आपके साइड चेन होंगे, तो CH3 और CH3 ये आपका बनेगा, ठीक है। नेमिंग कहाँ से शुरू होगी आपकी, पोजीशन देना यहाँ से होगा 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, क्योंकि जो आपका डबल बॉन्ड है उसकी प्रायोरिटी आपकी ब्रोमीन जो आपकी हैलाइड है उससे ज़्यादा होती है, देयरफॉर नेमिंग आपकी यहाँ से होगी, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो क्या होगा आपका, थर्ड पोजीशन पर आएगा, लेकिन यहाँ से करेंगे तो आपका सेकंड पोजीशन पर आएगा, तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी आपकी हैलाइड से यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, यह आएगा आपका यहाँ 4-bromo-4-methyl-pent-2-ene, ये आपका बनेगा 4-bromo-4-methyl-pent-2-ene, ठीक है। और क्लासिफाई करेंगे तो क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे आपका हैलाइड है, देयरफॉर ये होगा आपका एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। और कभी भी आपका किसी एलिफैटिक आपके हाइड्रोकार्बन में जो आपका एल्काइल हैलाइड होते हैं, तो अगर उस पर अगर आपका डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे अगर आपका हैलाइड है तो उसे हम कहते हैं आपका एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। बेंजीन में होगा तो उसे हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। टेंथ क्या है आपके पास, पैरा पोजिशन पर है आपका क्लोरीन C6H4CH2CH CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये चीज़ आपके पास है। तो पैरा पोजीशन में क्लोरीन है कह रहे, तो मतलब आपके यहाँ बेंजीनिक बन रही होगी, तो पैरा पोजीशन में क्लोरीन है तो ये चीज़ आपके यहाँ पर बेंजीन बन रही होगी, और फिर आपको फर्स्ट पोजीशन पे ये चीज़ रही होगी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास यहाँ पर बेंजीन है, पैरा पोजिशन पर क्लोरीन है कह रहा हो, और यहाँ पोजिशन में क्या आपका ये चीज़ है, तो ये होगा आपका CH2 CH CH3 और CH3, ऐसा आपका बनेगा, ठीक है। CH3 होल्ड पास आपके दोनों साइड चेन है, तो ऐसा हमने बनाया। नेमिंग होगी आपकी यहाँ से शुरू, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आपका क्लोरो, तो 1 क्लोरो, ठीक है। फोर्थ पोजीशन में क्या आपका, फोर में क्या है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, तो क्या आएगा आपका 1, 2 और 3, ठीक है, इसको भी हमने क्या कर दिया यहाँ पर पोजीशन दे दिया है, तो 1, 2, 3। तो सेकेंड पोजीशन में क्या आपका मिथाइल, तो फोर्थ पोजीशन में क्या था, 4, 2 मिथाइल और प्रोपाइल, ठीक है, मतलब 1 में क्लोरीन था और फोर्थ पोजीशन पे आपका ये चीज़ थी यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसको नेमिंग दे दी यहाँ पर, तो क्या आया आपका सेकंड पोजीशन में मिथाइल, तो 2-methyl-propyl-benzene, तो 1-chloro-4-2-methyl-propyl-benzene आपका यहाँ IUPAC इसका होगा, ठीक है। और ये होगा आपका यहाँ पर एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड कहने का मतलब कि आपका जो हैलोजन है वो उस कार्बन से अटैच है जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर एराइल हैलाइड। 11th क्वेश्चन क्या है आपके पास, मेटा पे क्या है आपका Cl CH2 C6H4 CH2 C CH3 का होल थ्राइस, ये चीज़ आपके पास है, ठीक है। मतलब मेटा में क्या है आपका Cl CH2, इतना आपका बेंजीन होगा और फर्स्ट पोजीशन पे आपका ये चीज़ होगी यहाँ पर, ठीक है। तो बनाते हैं, सबसे पहले आपका बेंजीन बनेगा यहाँ पर, मेटा में क्या है आपका क्लोरीन और ये CH2Cl है, अच्छा तो यहाँ क्या है आपका फर्स्ट पोजीशन पे CH2C CH3 होल ट्वाइस, ठीक है, ढंग से बना लेते हैं इसको यहाँ पर हम। ये आपका बनेगा यहाँ पर मेटा पे CH2Cl और यहाँ पे है आपका CH2C और तीन आपके यहाँ पर मिथाइल साइड चेन की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा है आपका। तो नेमिंग कहाँ से होगी आपकी, 1, 2 और 3 आपके यहाँ से रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, 1-chloro-methyl, ठीक है। थर्ड पोजीशन में क्या है आपका, अगेन इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी हम IUPAC बना सकते हैं, तो क्या आएगा आपका 1, 2 और 3, ठीक है। नेम दे दिया हमने 1, 2, 3, तो ये होगा 2-2-dimethyl, 2-2-dimethyl और तीन आपके कार्बन है तो क्या आएगा प्रोपाइल, ठीक है, 2-2-dimethyl-propyl-benzene,
ठीक है, क्या करा हमने, वन फर्स्ट पोजीशन में, हाँ हमने क्या करा, नेमिंग दी वन टू थ्री करके, तो वन क्लोरोमिथाइल थर्ड पोजीशन पे आपका ये चीज़ है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, पोजीशन दे दी थी, तो ये आया थर्ड पोजीशन पे आपका टू टू डाईमिथाइल प्रोपाइल, मतलब थर्ड पोजीशन में क्या है आपका टू टू डाईमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर है। और ये क्या होगा, बनेगा आपका यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, जो हैलाइड होगा वो आपका बेंजाइलिक हैलाइड होगा, क्योंकि जो आपका हेलोजन अटैच है वो आपके डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो कभी भी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ अगर आपका हेलोजन अटैच होगा किसी भी बेंजीन रिंग पर, तो आपका बेंजाइलिक हैलाइड होता है वो, ठीक है। ट्वेल्थ क्या है आपके पास, ऑर्थो में आपका ब्रोमीन C6H4 CH CH3 CH2 और CH3, ये चीज़ें आपके पास, ठीक है, तो ऑर्थो में ब्रोमीन है, ये आपका बेंजीन बनेगा, और फिर फर्स्ट पोजीशन पे आपका ये चीज़ है, तो बेंजीन हमारे पास है, ऑर्थो में क्या हमारा ब्रोमीन, और यहाँ क्या आपका ये चीज़ है, तो ये क्या होगा आपका यहाँ पर CH CH3 CH2 और CH3, ये जो है आपका, ये आपका यहाँ पर ये चीज़ है, और बाकी CH2 CH3 आपका ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देंगे आपका नेमिंग वन टू, ठीक है, तो ये होगा आपका वन ब्रोमो। सेकेंड पोजिशन में क्या है आपका, जो ये चीज़ है ये आपका है क्या यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आपकी ये चीज़ है, क्योंकि आपका सेकेंडरी कार्बन से में आपका जाकर बेंजीन रिंग यहाँ पर आपका अटैच हुआ है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन में आपका यहाँ पर बेंजीन रिंग अटैच हुआ है, तो ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन आपका यहाँ पर आएगा। तो फर्स्ट पोजिशन में ब्रोमीन, सेकेंड पोजिशन में क्या आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है, और क्लासीफाई करेंगे तो ये चीज़ आपकी होगी यहाँ पर एराइल हैलाइड, क्योंकि जो आपका यहाँ पर हैलाइड है वो आपका डबल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है, जो आपका कार्बन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देयरफॉर ये आपका यहाँ पर एराइल हैलाइड होगा, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 10.1, नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 की एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।